तो देखिए बेटा, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट है जो ये कैथोड रेज होती है, दी जा रहा था नेगेटिव चार्ज रेज। सेकेंड है दे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। थर्ड है मूव फ्रॉम कैथोड नेगेटिव टू एनोड पॉजिटिव। ये मूव करती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैथोड से ये निकलती है और ये नेगेटिव चार्ज की रेज होती है। अगला पॉइंट है फोर्थ, दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स। दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स, मतलब किसी भी मेटीरियल की ये बनी होती है। दे हैव देयर ओन मास एंड वेलोसिटी। दे हैव देयर ओन मास एंड वेलोसिटी। अगला पॉइंट है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। विद विद वेरी हाई स्पीड ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड। वो स्पीड बेटा कितनी होगी, 10^9 से लेकर 10^11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सब प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की, कि नेगेटिव चार्ज की रे होती है, कैथोड से निकलती है, मूव करती है कैथोड से एनोड की तरफ, मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है, खुद का अपना मास और वेलोसिटी होती है, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करते हैं और बहुत हाई स्पीड के साथ ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। नोन एज इलेक्ट्रॉन्स
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रेज, और इनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है क्या? तो ये सारे आपके पॉइंट्स है, करेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की, किसकी? कैथोड रेज की। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो इसके बाद। ये कर लिया होगा आपने। हाँ भी देखो इसके आगे, आठ पॉइंट आपके हो गए। अब नाइन्थ पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट है दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। एनी सरफेस ऑफ मैटर या मैटर, जहां भी ये कैथोड रे जाके टकराती है वहीं पर ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगला पॉइंट है दे प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो व्हेन स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ ZnS स्क्रीन। जब जिंक सल्फाइड की सरफेस वाले स्क्रीन के ऊपर ये कैथोड रे जाके गिरती है तो दे प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड डू नॉट ट्रेवल। In a straight line. अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होंगे, ये अपने पाथ से मुड़ जाएंगे। ठीक है, या तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ। अगला पॉइंट है दे कोच आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज, ये गैस को आयोनाइज करती है। अगला है दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट अगला पॉइंट है दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। They have penetration effect. Penetration का मतलब क्या होगा बेटा? कि अंदर तक किसी चीज के अंदर घुस जाती है। They have the penetration effect.
अगला पॉइंट है दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी हैवी मेटल. जब भी ये किसी बहुत ही हैवी मेटल के सरफेस से टकराते हैं तो वहां पर ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं. एंड व्हाट आर एक्स रेज? एक्स रेज क्या होती हैं? दीज आर द पेनिट्रेटिंग रेज. एक्स रेज क्या होती है? दीज आर द पेनिट्रेटिंग रेज हैव स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी. बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ होते हैं, बहुत हाई इनकी फ्रीक्वेंसी होती है. और लास्ट पॉइंट है 16, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम. फर्स्ट है they are independent from nature of cathode and second a gas in discharge tube. चाहे कैसी भी ट्यूब में गैस भरी हो, चाहे नेचर कैथोड का कैसे भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड रेज को. दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ कैथोड एज वेल एज द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. तो भाई ये सारे की सारी बेटा आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की. ठीक है मैम, 13th पॉइंट क्या था? दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. जैसे बेटा सिल्वर 13th मैम. ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड की प्लेट होगी, सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट होगी, जब उनके ऊपर ये चार्ज पार्टिकल जाके गिरेंगे तो उस स्क्रीन के ऊपर प्लेट के ऊपर ब्राइट स्पॉट आएंगे, ब्राइट इमेज आएगी. तो ये अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफी के प्लेट को. तो भाई ये सारी आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की. तो इससे ये प्रूफ हो गया कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज की रेज होती है, नेगेटिव पार्टिकल इनसे निकलते हैं. इन नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया स्टोनी के थ्रू. इनको इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोने ने दिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर ऑफ कैथोड से एज वेल एज द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. उनसे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये सारे बेटा आपकी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दे रखी थी. 15-16 पॉइंट है किसके? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कैथोड रेज ट्यूब. ओके, तो ये सारे आपको कर लेने हैं बेटा. ठीक है, तो भाई आज हम यहां तक का काम करते हैं बेटा, ये कर लेना आप.